लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a new deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. अरे है कौन ये? ओबामा। हाँ? अबे किसका मामा? ओबामा, बैरक ओबामा, किसका मामा? हाँ, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि यस, कि हम कर सकते हैं। अच्छा, कर तो हम भी सकते हैं यार। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, प्रोग्रेस बहुत है वहाँ। बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है वहाँ का, मैंने सुना है। अजी हाँ, और नहीं तो क्या। अजी हाँ, स्वर्ग है बेटा स्वर्ग अमेरिका, और वहाँ की लाइफ, वहाँ के लोग, वहाँ की लेडीज, टू गुड है, टू गुड। और अपने मामा भाई सब है, हनुमान और सुपरमैन, दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर बेटा, टू मच है, फैंटास्टिक है। अरे हाँ हाँ, तो चला क्यों नहीं जाता ओबामा भाई सब का अमरीका? यहाँ क्या ताजमहल का टेंडर भरने के लिए बैठा हुआ है? देख भाई, मंदी का टाइम है और अपने भाई साहब की कड़की तो चली रही है, तो तू ऐसा कर, अभी निकल ले अमेरिका ओबामा के पास। निकलूंगा बेटा, निकलूंगा निकलूंगा, उड़ा लो जितनी ठिटोली उड़ानी है अभी। और एक बात बताऊं, एयरपोर्ट तक छोड़ने आओगे सारे के सारे। अबे कहीं कुत्ता तो नहीं घुस गया घर में? अरे भूल गया, भाई साहब की एंट्री का कोड वर्ड है। अरे सल्लू भाई उठो ना। उठो उठो भाई साहब, आ गए, उठो। किसने फोन किया लाला को? जी मैंने किया था भाई साहब। फिर से मिला, नंबर मिला, मैं बात करता हूँ। ओ भाई साहब, पीसीओ से करने पड़ेगा।
आउटगोइंग बंद है ना मोबाइल की, आपकी चालू है तो लगा दूं। कहा गया उसने? वो भाई साहब क्या 10,000 का ऑफर दे रहा है। वे? 2,00,000 मांगे थे, 10,000 दे रहा है, फिरौती दे रहा है, रामलीला का चंदा दे रहा है। दिमाग तो ठीक है ना लाला का, क्या लौंडे की जिंदगी प्यारी नहीं उसको? भाई साहब कह रहा था मंदी के दिन है, थोड़ा एडजस्ट कर। मंदी? साला मंदी, जिंदगी गुजर गई इस धंधे में लेकिन ऐसी मंदी ना देखी हमने। मंदी, किडनैपिंग करने जाओ फिरौती नहीं देते, हफ्ता मांगने जाओ तो लोग हमसे ही उधार मांग लेते। मंदी, इस मंदी ने पूरा रॉब खत्म कर दिया मार्केट में हमारा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं भाई साहब, अब रॉब तो खत्म होगा ही, हम सिर्फ धमकी देते हैं, कुछ करते तो है नहीं। अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है भाई साहब तो 2-4 को घाट उतारना पड़ेगा भाई साहब, मरेंगे तो डरेंगे ये। ये कुछ भी बोलेगा सुनना भी सीख कभी। सही कह रहा है ये। वो क्या कह रहा था तुम बिजनेस का? एक्सपेंड भाई साहब, वो मतलब तरक्की। साइंटिस्ट सीखो इससे, पढ़ा लिखा है ना, सही बोल रहा है ये। मार दे लाला के लौंडे को गोली, मार्केट में अपनी भी इज्जत है, खानदान का नाम है। हैप्पी बर्थडे कर दे भाई, कौन करेगा? मैं कर देता हूँ भाई साहब। मैं कर दूँ भाई साहब, अगर आपकी परमिशन हो इस बार मुझे मौका मिल जाता मतलब मेरा भी मुहूर्त हो जाता। क्यों, तूने मर्डर नहीं किया अभी तक? भाई साहब मौका ही कहाँ मिला आज तक। एक दौर था जब हमारे बारचुओं मालियों पे 3-3 4-4 6-6 मर्डर केस होते थे, आज अपने ही गैंग का लौंडा सूखा घूम रहा है। जा तू कर दे। ऐसी विश भाई साहब, भाई साहब लेकिन पहली बार। भाई साहब प्रताप बोल दिया ना नहीं करेगा। बड़ी देर हो गई यार, ये अन्नी कहाँ रह गया? जरा सा ही देर का तो काम था। अन्नी का पता नहीं साले, तूने अपना दिखा दिया ना काम यार। अरे मैंने क्या किया भाई? भाग दिया साले कब्जी कहीं के। हट अबे साले, इतना ठूसे खाता क्यों बे, जब तुझे पछता नहीं? यार खाया तो कम ही था, एक्चुअली सुबह टट्टी ठीक से ना हुई वो। फिर साला मार रहा, अबे मारा ठुसी यार फिर से, भगवान कसम जान से मारेगा क्या यार। अरे दवाई करवाओ इसकी यार। अरे प्रेशर बना हुआ था यार, मार दिया पाद, कोई गुनाह कर दिया क्या भाई? सारा नशा बिगाड़ दिया साले ने। अबे हम यहाँ पे काम करने आए, तेरे पास सुंगला है क्या? ओ भाई सुनो, इसको नहीं लेके आएंगे अगली बार से। अरे तो ये डिसाइड कौन करेगा, जैसा भाई साहब बोलेंगे ना वैसा होगा। हाँ तेरे भाई साहब बोलेंगे, भाई साहब की वजह से तो बैठे हैं सुबह से यहाँ पे। वो अपने लाडले को उठा के दे दिया ना काम यार। ये भाई साहब ही समझते नहीं कभी कभी किसी बात को यार, अभी तक मुझे दिया होता घर पहुंच गया होता। और ये अन्नी भी पता नहीं क्या कर रहा वहां बैठ के। अबे ये क्या, ये क्या? हाँ financial tsunami.
throwing the U.S. economy under severe recession. The bubble has burst, stock markets have plummeted, banks and financial institutions have gone bankrupt. The crisis on Wall Street is destroying lives on the main streets. Small businesses are devastated. Millions are set to lose their jobs. Thousands are being forced out of their homes. The great American dream has turned into a greater American nightmare. Om, are you okay? Yeah, I'm okay. यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, just हिसाब किताब. और ये क्या है? Bank का notice. Another one. क्या लिखा है इसमें? Read it, Ritu. Read it. कई महीनों से बैंक का लोन नहीं गया. लिखा है कि 30 दिन में अगर सब क्लियर नहीं किया तो घर खाली करना पड़ेगा. What? $100,000? 30 दिनों में? Are they nuts? इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से आएंगे ओम? I have no idea. सब खत्म हो गया रितु, सब चला गया. बैंक बैलेंस, आ बिजनेस, आ स्टोर्स, एवरीथिंग. कुछ भी हमारा नहीं रहा. 15 साल जो मेहनत करके बनाया था ना, सब कुछ रिसेशन की भेंट चढ़ गया. Why did I take all these bloody loans, man? पंद्रह साल पहले खाली हाथी तो आए थे ना यहां? हम फिर से मेहनत करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. प्लीज डोंट लूज होप. ये क्या, कहाँ जा रहे हो? इंडिया. व्हाट? रितु, यहाँ तो कुछ रहा नहीं यार. इंडिया में कम से कम. इंडिया में वहाँ क्या है? हवेली तो है. याद है बाबूजी मजाक में कहते थे कि एक दिन जरूरी है हवेली तेरे काम आएगी. आई थिंक दैट इज कम यार. फिर चाचा जी कब तक संभालेंगे उसे अकेले? एक ना एक दिन तो उसे बेचना ही पड़ेगा ना. सो माय रिजल्ट विद नाउ, नाउ इज द टाइम रितु. पर हवेली को बेच के बाबूजी की आखिरी निशानी है यार, ऐसे कैसे? तो व्हाट रितु, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैंगिंग ऑन टू इट? कि तो स्टोर्स चले गए, आई वाज ओके विद इट. बैंक बैलेंस चला गया, गाड़ी चली गई, आई एम ओके विद इट. बट घर भी चले जाएगा तो फिर क्या फायदा यार? 15 साल के बाद बच्चों के लिए घर भी नहीं छोड़ पाए थे. व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैंगिंग ऑन टू दैट हवेली व्हिच इज देयर? पर डू वी हैव अ चॉइस? 30 डेज, दैट्स ऑल वी हैव. चाचा जी कैसे हैं आप?
मैं अच्छा हूँ बेटा। 7 साल बाद याद आई मिट्टी की। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं तुझे देख भी पाऊंगा दोबारा। ऐसे कैसे चाचा जी, चलिए। हाँ बेटा चलो। कल्याण हो, मंगल हो, ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। जीते रहो जीते रहो। आप कैसे हैं रमा बुआ? जीते रहो, मैं ठीक हूँ बेटा। ऋतु और बच्चों को भी साथ ले आते जी, अगली बार ले आऊंगा। ठीक है, इस बार तो 7 साल बाद आए हो, अगली बार पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा। जल्दी आऊंगा रुक्मिणी जी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इसे पहचाना? नहीं। अरे जा पैर छू। पहचानो, ये है कन्हैया लाल। अरे कन्हैया इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तो चंडी बन के घूमता था। ओम भाई साहब नमस्कार। ओम कैसे वसंत भाई? अरे भाई हम भी तो खड़े हैं ओम शास्त्री जी। अरे विशंबर भाई साहब, बालों में खिजाब लगा रहे हो आजकल। हाँ हाँ, जवानी तो बस तुम पर ही खिले, सबको छोड़ दो। लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। खाऊंगा मैं मीठा, कम खत्म बहुत। अच्छा बस भी करो, ओम को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी ले चलोगे? चल बेटा चल। सामान लेके आ मामा। रुक्मिणी जी जी आप आइए। चलिए चाचा जी, घर में किसी की शादी वादी है क्या? इतने मेहमान आए हुए, रमा बुआ, विशंबर भाई साहब, ये सब। नहीं कोई मेहमान नहीं है। फिर सब यहीं रहते हैं, अब यही इनका घर है। सब मुसीबत के मारे हैं ओम, अपने ही अपनों के काम आते हैं बेटा। और तुझ पर तो लक्ष्मी मैया की कितनी कृपा है, जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा बेटा। गुड मॉर्निंग अन्नी भैया। गुड मॉर्निंग वे। क्या बात है कन्हैया, बहुत महक रहा आज है। थोड़े दिन रुक जाओ, आपको भी महका दूंगा मैं। अच्छा, बड़े डायलॉग मारा कादर खान के। क्या हुआ बे? अरे बात ही कुछ ऐसी है अन्नी भैया। क्या चक्कर क्या है बताना? ओम मामा आए हैं। ओ मामा अमरीका वाले? नहीं, ओम मामा। ओम शास्त्री अमरीका वाले? यस। आ गए वो? तो मामा जी। हाँ। अभी? और उन्होंने मुझे अपने साथ अमरीका ले जाने के लिए हाँ कर दिया है ना फाड़ू ने। कन्हैया देख ले यार, देख मुझे भी मिलवा दे भाई प्लीज। देख देख देख, तूने प्रॉमिस किया था कन्हैया, है याद है ना? दोस्ती की कसम तेरे को, मेरा पासपोर्ट भी रेडी है भाई, चल अभी निकलते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं कल आ जाइयो सुबह सुबह घाट वाली मंदिर पे। क्यों? वो समय सबसे ठीक रहेगा। पर पक्का मेरे को मिलवा देगा ना मेरे भाई? ये काम करवा दे तू, बस आगे 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 जो तू वो बोले ठीक है मेरे भाई, बस एक बार मीटिंग करवा दे। मीटिंग किसी भी बोला ना करवा दूंगा। आई स्मेल। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। एक 100 रुपया देना। किस बात का बे? वो क्या है ना, मामा जी के लिए काफी खरीदनी है, चाय नहीं पीते ना। अच्छा हाँ, तूने बड़ी कही, ये ले कॉफी की तो मैं नदिया बहा दूंगा मेरे भाई। तू बस काम करा दे, अमेरिका चले गए ना तो यू लाइफ बदल जाएगी दोनों भाइयों की। और एक से एक चीज मिलती है वहां पर। और तेरे को पता है वहां पर भाई हवा में वो चल रही है आजकल स्केटिंग वगैरह जो है, पता है तेरे को वहां पर? और एक से एक स्केटिंग। यू लॉन्ग हेयर एंड लंकी फेलो, स्टैंड वेयर ओ सिटिंग। टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग। You mother father's manners, this. Sir, वो बात ऐसी है। Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually, talk was that sir जी की discussion. Hold on, stop. Sorry sir. Sorry का baby. You together thinking, English speaking like a rice plate eating? No, never, not. English speaking, not a children play. English speaking like a undertaker play. Taj Mahal create. Taj Mahal create. Yes. Again time. Careful. Again time this behavior. So touch to my fingerprint. You chick. So big chick. You chick. Red red chick. Understand? Yes sir. The postman, the busy man, the collector letter from the fever. Student chat banda. Stand up.
ऐसी दुविधा में डाल दिया भगवान। अपना घर बचाने के लिए अपना कोई बेघर करना पड़ेगा। कोई तो रास्ता निकालो, ऐसी कठिन परीक्षा मत लो मेरी। अरे कन्हैया, इतनी सुबह सुबह? वो क्या है ना मामा जी, आपको किसी से मिलवाना था। अच्छा कौन है? ये अन्नी। कमान अन्नी, इंटर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी, आई एम आनंद प्रकाश, नाम प्रकाश रस्तोगी, लिटिल नेम अन्नी। सर जी, दिस इज फॉर यू, फिलास एंड कॉफी। गुड मॉर्निंग सर, बहुत सुनाया आपके बारे में, हर साल कन्हैया से कहता था, है नहीं कन्हैया? जब भी आप आए ना तो एक बार मुझे आपसे जरूर मिलवा दे। लुक, गॉड हाउस में सर मीटिंग करा दी पहली, वेरी लकी। आई नो दैट्स फाइन, लेकिन काम क्या आपको? सर काम तो अमेरिका वाली पार्टी से एक ही होता है ना सर। सर एक्चुअली पासवर्ड भी रेडी है मेरा, एंड त्यागी सर से इंग्लिश की कोचिंग भी ले रहा हूँ धड़ाधड़। अगर कन्हैया के पासवर्ड के साथ मेरा भी स्वीकार कर लेना सर तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आभारी होऊंगा मैं आपका फ्रॉम द हार्ट सर। हॉलीवुड की सब फिल्में देख रखी हैं, बचपन से ही शौक था मेरा। रॉकी ले लो सर, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर है सर। रैम्बो ले लो, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। और सर फर्स्ट ब्लड ले लो, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। और मैं और सीएनएन, सीएनएन और मैं और ओबामा भाई साहब, बस इन्हीं के बारे में जानकारी। वो ठीक है, वो ठीक है, मगर मैं आपको ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ यार? आई मीन प्लीज। सर मुझे पता था आप छोटे भाई को नाराज नहीं करोगे। सर आपको लगी तो नहीं? अब ओके कन्हैया, बताओ लाला साला हरामखोर, हमें फिरौती के पैसे ना दिए, पुलिस को चढ़ावा चढ़ा दिया साले ने, और पुलिस भी दबिश पे दबिश दे रही। जब तक पुलिस की आरती नहीं उतारेंगे वो तो अपना काम करती रहेगी ना। तो पैसे कहीं से दे क्यों नहीं देते भाई? कहाँ से दे दूं सल्लू पैसे? रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, जीप में पेट्रोल नहीं है, मोबाइल का आउटगोइंग बंद है, मालूम है ना? पैसे दे दो। 10 लोगों से बात की, रिक्वेस्ट किया, भाई साहब सबकी एक ही कहानी, मंदी चल रहा है जी। सड़ी भाई कहाँ की मंदी? अमरीका से आए भाई साहब। हाँ अमरीका से। अमरीका से तो उन्हें अपनी ये बीमारी हमारे यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? उनका तो रिकॉर्ड है ना भाई साहब, पहले बीमारी पैदा करते हैं फिर जहाज में बैठा कर भेज देते हैं सारे दुनिया के अंदर। इस दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियां अमरीका की देने भाई साहब। अच्छा हाँ भाई, ऐसा है तेरा अमेरिका? हाँ तू तो बड़ी तारीफ करता है। ये क्या सच बताएगा जी, ये तो खुद जाने वाला है थोड़े दिनों में, बताएगा नहीं भाई साहब कब जा रहा जी अमरीका अपने ओबामा के पास? ये कब? वो भाई साहब एक गोटी सेट कर रखी थी कई सालों से, वो शास्त्री हवेली वाले नहीं है अपने, ओम शास्त्री जी है ना रही? वो आए हुए हैं ना अमरीका से भाई साहब। बस ट्राई कर रहा हूँ, इस बार आपके आशीर्वाद से मतलब काम हो जाएगा मेरा। हाँ होगा होगा, 100% होगा। जुलाई 2006 के बाद पहली बार सेंसेक्स 10,000 के नीचे गया है, ऐसे काफी मस्त जा रहा था। जी मैं ही हूँ, आप? जी मैं ओम शास्त्री, आपसे फोन पे बात हुई थी। हाँ जी बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? वैसे आई शुड थिंक कि शुड नॉट बी लेस देन $500,000। दो सवा दो करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। 2.25 करोड़? आई शुड थिंक सो। अरे सर आज की डेट में 2.25 करोड़ में तो ताजमहल भी ना बिके, आपने झट से कह दिया 2.25 करोड़। अरे भाई साहब रियल इस्टेट की तो अब क्या क्या बताऊँ आपको, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश तो करके देखिए ना। आई मीन ट्राई इट, देन प्राइस हम लोग देख लेंगे बाद में। अरे भाई साहब बायर ही नहीं मार्केट में, कोशिश क्या करके देख लूँ। आपके सामने है शेयर मार्केट भाई साहब, 25,000 से लड़क के 8,000 पॉइंट पे आ गया।
और सारा किया कराया तो आप अमेरिका वालों का है ना जी। मेरी सलाह मानो ना तो आप अमेरिका वापस लौट जाओ और ये हवेली को बेचने का ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्यों सर जी, कोई सवारी चाहिए क्या? कहाँ जाओगे? हाँ, झांसी चौक तक वो बस आती होगी अभी। अरे आज नहीं आएगी बस। नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अरे उसके चारों टायर चुरा के लेगा रात को, वहाँ खड़ी है बस अड्डे पे ईंटों के सारे। ऐसे कौन ले गया भाई? ये शक तो देखो बस के कंडक्टर पर है, पर अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा उसने चुराया या फिर पुलिस वालों ने। अरे आ जाओ भाई साहब, हम उसी तरफ तो जा रहे हैं। आ जाओ ना। नहीं, दूसरी सवारी आ जाएगी। थैंक यू। अरे आ जाओ भाई साहब, जो पैसे बस वाले को देते हो हमें दे देना। आ जाओ भाई साहब, कहा थोड़े ना जाएंगे आपको। बैठो बैठो, आ जाओ। थैंक यू। आज कितने दिनों बाद मिठाई आई है इस घर में। लो भाई साहब, लगता है खुशियां वापस लौट के आएंगे इस घर में। बोलो चू, आज रात में मटन बना दे प्यार से मेरी जान। अरे वाह। हाँ भाई साहब, पिछली दिवाली को बना था, एक साल हो गया जी। तो फिर बना देना। बना देंगे। और जानता है ये सब किसकी वजह से? छोटे ओबामा अमेरिकन टूरिस्ट माइकल जैक्सन, हमारे गैंग के समझदार होनहार पढ़े लिखे होनहार बच्चे की वजह से। उस दिन बातों बातों में तूने अमेरिका जाने की योजना क्या बताई, हमारी तो किस्मत के ताले खोल दिए तूने। साइंटिस्ट भाई साहब, साइंटिस्ट तो ठीक है, पर ये मैं तो कुछ समझ नहीं आया ये लड्डू वगैरह। अरे नौरान बालक, इधर आ, तू कैसे समझेगा, जा अंदर जाके देख तेरा हैप्पी बर्थडे, चल पिलाओगी। अमेरिका अमेरिका भाई भाई। शास्त्री जी, भाई साहब ये कोई गलती हो गई आपसे, ये किसी के डब यही तो है वो। मालूम है, यही तो तुझे अमेरिका लेके जा रहा है ना। एक बात बता, अमेरिका जाके करेगा क्या तू? हाँ बोल, डॉलर ही कमाएगा ना। सवाल, और अगर डॉलर खुद अमेरिका से यहाँ चल के आ गए तो? हाँ फिर करेगा क्या तू जाके अमेरिका में, अपने ओबामा भाई साहब को देखते रहियो टीवी में और डॉलर गिनते रहना ऐसे। क्या बकवास है भाई साहब, ये गलत है, जाने दो भाई साहब इसे। नो रॉन्ग है। जाने दूं? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? सात साल से वेट कर रहा हूँ इस पार्टी का, हैं? कब से नजरें गड़ाए बैठा हूँ इस पर, और कब तक मैं ये 10-50 हजार वाली फिरौती मांगता रहूंगा लोगों से? बे मेरी भी जिंदगी है, करियर बनाना है, जेंट्री में शामिल होना है। साली उम्र निकल गई आधी, अब इस बुढ़ापे के सारे को कह रहे भाई साहब जाने दो। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा है? रुक रुक यहां देख, पहचानता इसे कौन है? ये धनंजय सिंह मंत्री। इस धंधे में साथ आया था मेरे, राज का सबसे बड़ा गेम चलाता है, मगर सम्मान है, इज्जत है। मेरा दिल नहीं करता क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमू, इलेक्शन लड़ू, विधानसभा में कुर्सियां तोड़ू। मैं ये भिकमंगे और कंगलों को किडनैप करके होगा मेरा सब कुछ सपना पूरा। 50 करोड़, कम से कम 50 करोड़ का आसामी है तेरा ओम शास्त्री। 5 करोड़, 5 समझता है? 1, 2, 3, 4, 5, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं यहाँ सबके तरक्की की बात सोच रहा हूँ, ये भाई साहब जाने दो। लेकिन हट, लेकिन लेकिन कुछ नहीं रो, उतार ये अपने अमेरिकन भूत को गले से उतार। और तुम सुन लो, इस वाली डील में मुझे कोई हरामखोरी नहीं चाहिए, समझ गए कि नहीं तुम लोग? और अगर किसी ने हगा ना तो मां कसम। आओ, जिसको जिसको मेरा साथ देना है हाथ आगे बढ़ा।
गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी स्वागत है आपका। वो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आपका ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। सर, आप प्लीज अपनी जगह पे बैठे रहिए, आपको यहाँ कोई भी खतरा नहीं है सर। और अब अगर आप आवाज ना निकालने का वादा करें तो मैं आपके मुंह की पट्टी खोलना चाहूंगा सर, ताकि आप कुछ खा सकें। पक्का सर? आओ! आप लोग कौन है, क्यों किडनैप किया मुझे? देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। आप लोग ऐसे कैसे किसी को किडनैप कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने आपको कहा ना कि हमने आपको किडनैप किया है, आप प्लीज कोऑपरेट करेंगे तो ठीक रहेगा। अरे कोऑपरेट करने का क्या मतलब है यार? यू लेट मी गो, बचाओ, हेल्प, 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 आई वांट टू गो, हेल्प। अरे सर क्यों गले का गुड़गांव बना रहे हो यार, आराम से पानी पियो, लो पानी पियो। सर समझदार आदमी हो आप भी, मतलब समझ नहीं आ रहा आपका। सर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, कोई बचाने नहीं आएगा आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर। देखिए आप लोग कौन है और मुझे क्यों? I tell you, आप लोगों से कोई गलती हो गई है, it's such a misunderstanding. प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे किडनैप करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सर जी हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बस पहले थोड़ा खाना तो खा लीजिए, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। सर थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए ना सर। सर फिश लाइकिंग, चिकन लाइकिंग? चिकन प्लीज। सर फाइव स्टार होटल, आर्मी कैंट रोड, वेरी एक्सपेंसिव फूड सर। सर ये सलाद। बर्नी एक बात बता, ये फिरौती की रकम कैसे आएगी, हमारे रुपए में आएगी या उनके डॉलर में? अब रुपए में ही आए तो अच्छा है भाई साहब, अब डॉलर सब्जी का हम क्या करेंगे, हरी नोट मांग लेंगे 5 करोड़ के। अच्छा मुझे लगता है कि ये जो रकम है ये सीधे अमेरिका के एम्बेसी से आएगी भाई साहब। हमारे पास? हाँ नहीं नहीं अरे नहीं, कल बोल बात कर शास्त्री जी से, भाभी जी का नंबर ले अमेरिका का, बात बात कर ताकि बात बढ़े आगे, है कि नहीं? हाँ भाई साहब, धमकी तो देनी पड़ेगी ना उनके। पहलवान धमकी हमकी से नहीं चलेगा यहाँ। क्यों क्यों नहीं भाई साहब, अमेरिका का मामला इतना ईजी नहीं है, यहाँ हमने धमकी दी ना उधर FBI हमारे पीछे। अब FBI कौन है? अमेरिका की पुलिस है भाई साहब, तौबा तौबा, अगर पीछे पड़ गई ना छोड़ेगी नहीं, सद्दाम है ना अपना सद्दाम। कौन सा किल का लौंडा? अबे यार परसों मालूम है क्या बोला? अरे भाई साहब सद्दाम इराक वाला हुसैन कटर में छुप गया था, गटर में निकाल लाई FBI वहाँ से। एकदम सही कह रहा है भाई साहब बन्नी, बड़ी कुत्ती चीज है जी FBI। असल में भाई साहब वो सद्दाम हुसैन की दुश्मनी चल रही थी उसके साथ, वो अरे क्या नाम था नहीं जिसको जूता फेंक के मारा था, बुश, बुश भाई साहब, बुश, बुश भाई साहब, बुश। और दुश्मनी खानदानी थी जी उनकी, बुश के बाप का भी झगड़ा था सद्दाम हुसैन के साथ, और बाप का नाम भी तो बुश ही था ना भाई, बुश 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 ही था। फिर भाई साहब पूरी दुनिया मना करती रही, लेकिन बुश ने जो FBI छोड़ी है उसके पीछे ढूंढ के ही मरने साड़े, और पहले तो डॉक्टर से चेकअप करा और लटका दिया भाई साहब सूली पे। किसको? बुश को? अरे सद्दाम को, सद्दाम हुसैन को। हटाओ थाली वाली। तो फिर फिरौती कैसे मिलेगी? भाई साहब सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्वालिफाइड लोगों की तरह बात करनी पड़ेगी, शास्त्री जी को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि देखो जी फिरौती दिए बिना कोई चारा नहीं है, तब जाके पैसे आएंगे। देखो थोड़ा टाइम लगेगा पर काम जो है ना पक्का हो जाएगा। कितना इंटेलिजेंट लौंडा है यार, तू मेरे को पहले मिल गया होता ना तो अब तक तो MLA तो बन ही गया होता मैं। नहीं तू रिक्वेस्ट कर, आराम से रिक्वेस्ट कर, टाइम ले। सुन तो सही, क्या है कि अमेरिकन पार्टी है ना, बात बुश तक तो पहुंची गई है, यहाँ मार्केट में ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी, समझ रहा है कि ना, फिर आ जाएंगे गिद्ध पका पकाए खाने साले, इसलिए टाइम ले ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दे। क्या कह रहा हूँ मैं, टाइम लूँ पर जल्दी कर दूँ? करेक्ट करेक्ट, ले नमक ले रख ले, सुनो आज इसको सब्जी भी दे देना ठीक है, बैठ के खा ले, डाल डाल सब्जी डाल। और
सर जी, क्या हुआ? उठ, मेरे सर से गिर गया क्या? बैठो। क्या हुआ? क्या पानी? बहाना तो नहीं कर रहे ना सर चिल्लाने का? भरोसा कर रहा हूँ, धोखा मत देना, रिक्वेस्ट है। प्लीज आंख की पट्टी भी खोल दो प्लीज, बहुत जलन हो रही है। अरे यार मरवा गया आप प्लीज। ऐसे हमको देख के कोई खुशी नहीं मिलेगी आपको। मुझे पता था, तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गया था कि तुम ही हो। तो यह है तुम्हारा असली रूप, किडनैपर, क्रिमिनल। उस दिन तो तुम बहुत पाप पकड़ रहे थे, अमेरिका जाकर यही सब करने वाले हो तुम। अरे सर बात कुछ और है। बात कुछ और है, आपके समझ में नहीं आएगी। देखो मुझे बात समझने का कोई शौक नहीं, इट्स योर चॉइस, डू व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, मैं बहुत जरूरी काम से इंडिया आया हूँ। अरे सर नहीं हो सकता कुछ भी, अगर मैं चाहूँ ना तब भी संभव नहीं है। अब वेरी सॉरी, अभी एक ही रास्ता है, भाई साहब को उनके पैसे दे दो, फिरौती के टेंशन मनी और निकल लो। यार तुम ओके कितने पैसे चाहिए तुम्हें? देखो जी भाई साहब की डिमांड तो 5 करोड़ रुपए की है, लेकिन अगर आप सही से बार्गेनिंग करोगे तो 3 करोड़ रुपए तक में फाइनल हो जाएगा। देखो जैसा तुम समझ रहे हो वैसा है नहीं, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं कहाँ से लाऊंगा 3 करोड़? यार कहाँ से लाऊंगा? अमरीका कॉल कीजिए, पैसा मंगवाइए और चले जाइए बस। यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इंडिया क्यों आता? देखो मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज प्लीज टू अंडरस्टैंड। अरे क्यों दिमाग का दलिया कर रहे हैं आधी रात को हैं? क्या लगता है आपको ऐसी कहानियां सुना के आप यहाँ से निकल जाओगे? पता है आपको पिछले 7 साल से भाई साहब वेट कर रहे हैं आपका हैं? आप सपना हो भाई साहब का, मतलब तपस्या हो आप उनकी, उनका फ्यूचर हो। अरे उनका बैंक बैलेंस हो, उनकी मोटर गाड़ी हो, नहीं भला आपको क्यों जाने देंगे वो? बांधो आंख पे पट्टी बांधो, देख क्या रहे हो? और मुंह पे टेप लगा देना और जाते भी हीटर ऑन कर देना। गुड नाइट। ये फोटो है इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है, 2 दिन से कुछ पता नहीं कहाँ है। अरे आप चिंता मत कीजिए शास्त्री जी, निकल गए होंगे ऋषिकेश हरिद्वार गंगा उंगा नहाने के लिए, आ जाएंगे ना लौट के, आप तो घर जाके आराम से रहिए। आपकी बात तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो 7 साल बाद अमेरिका से आया है और यहाँ के लिए अनजान है थोड़ा, इसलिए फिक्र होती है। अमेरिका से? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि वो NRI है, अमेरिका में बड़ा बिजनेस है उसका, इसी बात को लेकर इतने परेशान हैं हम लोग। आप चिंता मत कीजिए, समझो काम हो गया, सारा डिपार्टमेंट लग जाएगा, ले जाएगा उसको वापस। ठीक, आप जाइए लंबी तहन के सो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना आप जाइए जी, कहने छोड़ जाइए यहाँ, चल भाई जी। आप कहते हैं तो हाँ, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है आप जाइए। शास्त्री जी हाँ, आप तो पहले बार आए ना खाने जी, कृपया करके पुलिस कल्याण कोष में कुछ चंदा डाल दीजिए। ये टूटी बूटी इमारत इसकी मरम्मत करवा ली हम, ऐसा तो साहब की पार्टी में आपकी तरफ से भी मदद हो जाएगी। ये क्या 100 रुपये, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जिनकी भीड़ भगड़े में गायब होती है वो तक 200 रुपये देते हैं, आपका तो NRI भतीजा है, ज़रा बटवा ढीला कीजिए आप। लाइए चाचा हम डालते हैं। ठीक है हो जाएगा, आप जाइए। बलवंत गाड़ी निकाल, अली भाई कहाँ चलते हैं? 2 जलेबी जो है ना यहाँ की स्पेशलिटी है, लच्छी वाल भाई के यहाँ से मंगवाइए स्पेशली आपके लिए। ये लीजिए सर, सर लीजिए। ये जो बिच्छू है ना सर हमारा, इसके हाथ का मटन खा लीजिए किसी दिन।
हैव यू विथ यू, बस जादू है इसकी उंगलियों में, चाटते रह जाएंगे आप उंगलियां। ये लीजिए, रात को नींद आई? That's my phone. Phone, मेरा फोन है, मेरी वाइफ का फोन होगा। प्लीज लेट मी टॉक टू हर। रितु जी कॉलिंग? या दैट्स माय वाइफ, प्लीज हाथ खोल दीजिए मेरे, तो बहुत परेशान हो रही है। प्लीज लेट मी टॉक टू हर प्लीज। आप भी वैसे सर जी ना धर्म संकट में डाल देते हैं, ये लिए। थैंक यू। हाय रितु। हेलो ओम, क्या हुआ? हाय, इतने दिनों से तुमने फोन ही नहीं किया। नो, आई गॉट लिटिल बिजी। अच्छा, मिला कोई हवेली के लिए बायर? हां नहीं, हवेली का हो रहा है। एक्चुअली राइट नाउ आई एम सिटिंग विद अ क्लाइंट। थैंक गॉड। डिटेल्स सब वर्कआउट हो गई है? कुछ ही दिनों में हो जाएगा सब। ओके, यू डोंट वरी अबाउट अ थिंग। ओके, अच्छा लेकिन पक्का ना, थोड़े ही दिनों में? हां पक्का। अच्छा लिसन, आई एम अ लिटिल बिजी नाउ, कैन आई कॉल यू बैक लेटर? ओके, बाय बाय। ला इधर। अरे नमस्ते भाई साहब, मेरा फोन? कोई खा नहीं जाएंगे तेरा फोन? ले बे, भाभी को फोन मिला अमेरिका। नो नो, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। देखिए जो भी कुछ करूंगा मैं करूंगा, आप प्लीज मेरी वाइफ को अमेरिका में कुछ मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगी भिखारी में। देखिए आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं, एक्चुअली आप लोगों से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई हमसे, मिस्टेक हो गई जो तेरे से उम्मीद कर ली थी। अबे लगा फोन तू। मगर भाई साहब मेरी बात तो सुन। अरे तू यहाँ घर मगर कर रहा हूँ, अब बात फैल गई मार्केट में। क्या हुआ? अली भाई ने धमकी दी। अली भाई मालूम है क्या कह रहे हैं? 24 घंटे का मोहलत दे रहे, आगे गए पका पकाया खाने को। क्या कब? हमने अब तक चखा नहीं। देख रहे हैं मिस्टर अमेरिका, हगाई हुई नहीं, 100 सुअर को नेता, दिस इज इंडिया। भाई साहब अली भाई। हाँ अली भाई, समझ रहा है? शास्त्री जी देखिए, हम सब ने आपकी बड़े दिल से सेवा की, ठीक ही है ना? सुलगाओगी? अरे बिनो। हाँ भाई साहब। सही है? नहीं रहन दे, रहन, ठीक है ठीक। 5 करोड़ का सोचा था, 50% डिस्काउंट, आप इलाके के हो, 2.5 करोड़ में डन करते हैं। ला भाई फोन दे, भाभी जी को फोन करिए। अरे करिए करिए ना। देखिए जी, आई कांट गिव यू द मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। डेढ़? देखिए मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ए ठीक है। लिसन, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कम से कम हाथ मत फैलाइए। 50 लाख, थैंक यू, ठीक है भाई, डन, थैंक यू। देखिए भाई साहब, सॉरी आई डोंट नो योर नेम। करेक्ट है, आपका नाम नहीं पता है मुझे भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपको देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, एंड दैट्स व्हाट आई बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू एवर सिंस यू गॉट मी हियर। लेकिन आप मेरी बात तो सुनने को तैयार नहीं है, आप अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। This man is double what यार। भाई सर सर एक, अरे हद कर दिया यार इस आदमी ने, हम इससे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये हमारी लगाने पे लगा हुआ है, अंग्रेजी में डांट रहा है, हटा ये सब, भगवान बना के रखा हुआ है। ओ बिच्छू लगा कान के नीचे गोली, बात समझ में आ जाएगी। ओए तू उतार अपना ये अमेरिका का भूत, मार दे साले के। हाँ मार दो गोली, मार दो, शूट मी इफ दैट्स हाउ यू वांट टू प्ले, शूट मी, खत्म कर दो खेल। मेरे लिए तो यही अच्छा होगा ना कि जाने दे दूं, अपने बीवी बच्चों को सड़क पे देखने तो अच्छा होगा ना कि मरी जाओ ना। अरे करोड़पति होके ऐसी नौटंकी। अरे काहे का करोड़पति यार, जेब में साला खाने के लिए पैसे नहीं है, सब कुछ ले लिया मेरा रिसेप्शन ने। अरे हटाना इसको, मैं तो यहाँ आया था ये सोच के हवेली को बेच के वहां यूएस में कुछ, वापस जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं है मेरे पास। पर सर आप तो 15 साल से अमेरिका के बिजनेसमैन है। मेरी बात का यकीन करो, नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैं करोड़पति था, अब नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन था मेरे दोस्त था, आलिशान लाइफ, बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ था, सब चला गया, रिसेशन ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं है मेरे पास, और यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका के सत्यकथा प्रकाशन, ऐसी गानियां सुनी हुई मैंने, लगा फोन। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अरे कर लगा। नो अनी अनी नो। ए लगा फोन, सत्य सामने आ जाएगा इसका, लगा। बाद में प्रॉब्लम, सच सच सुनना ना, मैं सुनवाता हूँ सच, सुनिए। हेलो। हाय रितु, इट्स मी। हाँ ओम। या इतनी जल्दी वापस? क्या हुआ, हवेली की डील हो गई क्या? रितु
वो डील हो नहीं पाई यार। क्या? I'm sorry, मैंने तुम सब तक झूठ बोला था, वो actually हवेली की डील कभी हो ही नहीं पाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये डील नहीं हुई तो इन्हीं पैसों से तो अगले हफ्ते बच्चों की फीस जानी है। मैं कैसे? बैंक वाले हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ओम आई एम सॉरी रितु, मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड माय बेस्ट लेकिन नहीं हुआ यार। अब हम क्या करेंगे ओम? और तुम वापस कैसे आओगे? तुम्हारे पास तो टिकट के पैसे तक नहीं है। स्वीरा डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई, मैं कर रहा हूँ कोशिश। देखो तुम हिम्मत मत हारना, हाँ प्लीज, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, ओके, जस्ट ट्रस्ट मी। हेलो रितु, घटिया आखिरी बार डिनर कर लीजिए सर। सॉरी सर, आज बस यही है यार। अब तो मुझे जाने दो ना यार, ये अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। सर आधी रात हो गई, अब कल सुबह ही निकल जाइएगा। सुबह अली भाई की मेहनत भी खत्म होने वाली है, उनके आने से पहले ही चंपत हो जाइएगा, कहीं उनकी भी मेहमान नवाजी झेलनी पड़े। ये अली भाई है कौन? इसी फील्ड से हैं सर, हमारे सीनियर, काफ़ी बड़ा गैंग चलाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई साहब ने बहुत मोटा हाथ मारा है। पूरी मार्केट में हवा है सर कि काफ़ी मोटी आसामी है आप, पर ये तो हमें पता है ना कि हमारे हाथ क्या लगा है। घंटा अरे अन्नी कमाल, मेरे अन्नी, मेरी चवन्नी, मेरी अठन्नी, तेरे बारह आनी, तेरा रुपया, तेरी जान के टोटे, थोड़े बड़े थोड़े छोटे। भाई साहब बच गए, बच गए भाई साहब, भाई साहब बच गए, अन्नी भाई साहब बच गए, भाई साहब बच गए, सलूट शूट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अन्नी अन्नी क्या हो गया इतनी रात को? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? हाँ, किसी का भी ठीक नहीं था भाई साहब, अब सबका ठीक होगा। आपका एक एक सपना, कुल्लू मनाली, नई गाड़ियां, गन गोलियां, सब पूरा होगा भाई साहब, सब कुछ। अबे कैसे? शास्त्री जी को, अली भाई को एडवांस भेजकर। हैं? पार्टी एडवांस करके? हाँ बिच्छू, हाँ। अरे अली भाई को कैसे एडवांस करेंगे, शास्त्री तो कंगला है यार। ये तो हम जानते हैं ना, अली भाई तो नहीं, उन्हें तो ये लगता है कि ये करोड़ों की आसामी। अच्छा, पर जब अली भाई को सच्चाई का पता चलेगा तब तब सड़क पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? जब पैसे आएंगे ना तो गोलियां हमारी गन में भी होंगी। नहीं मतलब एक छोटा सा चांस है, उसको डर के मारे जाने दे, खत्म कर दे अपने गैंग को। अबे कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, इतने दिनों से अंडरग्राउंड है, क्या हो गया, कुछ दिन और अंडर हो जाएंगे फिर। सही कह रहा अन्नी भाई साहब, फिर हम भी भाभी जी और बच्चों के साथ कुल्लू मनाली घूमने चलेंगे, क्यों भाई साहब? क्या कहते हो भाई साहब, ये आखिरी मौका, भगवान का दिया हुआ रास्ता है, दो चार साल के खर्चे का जुगाड़ भी हो जाएगा और इज्जत भी बच जाएगी। चुप क्यों हो गए भाई साहब? है भाई साहब, भाई साहब, दादाजी तू कहीं पिछले जन्म का मेरा दादा तो नहीं, जो इस जन्म में आके मार्गदर्शक बन गया है मेरा?
धन्य कर दिया तूने अन्नी, धन्य कर दिया। हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता है। बाद में क्या सोचना समझना, समझ रहा है? इस मौके का फायदा उठाते हैं। तुझे जो करना है कर, कर। ये हुई ना बात, भाई साहब हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल, यस वी कैन, यस वी कैन। भाई साहब हमारी गन में भी गोलियां होंगी, हमारी मोटर में भी पेट्रोल होगा, यस वी कैन, यस वी कैन। भाई साहब हम भी कुल्लू मनाली जाएंगे, अंग्रेजी दारू पियेंगे, फाइव स्टार होटल में जाकर भाई साहब हम भी वेटर को टिप देंगे, यस वी कैन, यस वी कैन। भाई साहब हम भी एमएलए बन सकते हैं, भाई साहब पार्लियामेंट में हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं, धनंजय सिंह को पीछे छोड़ सकते हैं भाई साहब। Yes we can, 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 yes we can. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमो नमः। ये कवच तो उतार लिया कर। मुझे मालूम है आप लोग मुझे अली भाई को बेचने जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों की सारी बात मैंने सुन ली। अगर मैं सारा सच अली भाई को बता दूं तो कुल्लू मनाली भागने का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। भाई धमकी दे रहा क्या मैं? नहीं, आपसे एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं, सबके फायदे की बात। क्या आइडिया? आज को रात रखने का आइडिया। देखिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का सच तो अली भाई को देर सवेर पता चली जाएगा, लेकिन आप लोगों का सच उनसे छुपा रह सकता है। मतलब? देखिए मैं करोड़पति नहीं हूँ, ये बात तो उन्हें कुछ दिनों में पता चली जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये बात पहले से पता थी और सिर्फ पैसे की लालच में जानबूझकर आपने अली भाई से झूठ बोला, ये सच तो उन्हें सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, है ना? क्या चाहते क्या हो? 50%। मगर सर ये तो देखो, मुझे गलत मत समझना, आपकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, आप भी मंदी के मारे हुए हैं और मैं भी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है भाई साहब। वापस जाने के लिए मेरे पास टिकट तक के पैसे नहीं है, 15-20 मिनट बैंक वाले मेरा घर जब्त कर लेंगे मेरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। आई हैव नो अदर ऑप्शन, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, चाहे मेरी जान चली जाए आपका राज राज रहेगा। बस एक शर्त है, मेरे हिस्से का पैसा इमीडिएटली मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हाँ क्या बोलता है प्रताप? बेवकूफ बना रहा भाई साहब, पैसे भी ले लेगा और अली भाई को सच भी बता देगा साला वो। तू है नहीं? नहीं भाई साहब नहीं, धोखा नहीं देगा, उसके और हमारे हालात एक ही हैं। अगर हम रिस्क ले रहे हैं ना तो वो भी रिस्क ले रहा भाई साहब। क्या बोलता है तू? मैं तो कहता हूँ बात मान लीजिए भाई साहब। मुझे भी यही लगता है, मजबूर इंसान है शायद धोखा ना दे। क्या बोलती है? मैं क्या बोलूँ, आप ही देख लो। चल देखते, हमें मंजूर है। वेलकम टू द गैंग सर। मान गए भाई साहब, आदमी तो खानदानी हो आप। मेरे एक मैसेज पर पार्टी को लेकर सीधा यहाँ आ गए। अरे भाई साहब मैं तो कहता हूँ अंडरवर्ल्ड में सब आपकी तरह हो जाएं तो सारे झगड़े ना खत्म हो जाएं ससुरे। देखो अली भाई। क्या अली भाई? हाँ
देखिए अली भाई, अब ये तो इंसानियत का फर्ज है एक दूसरे के काम आना। आज आप मेरे काम आ रहे हो, मेरा मतलब है आपके काम मैं आ रहा हूँ, तो कभी आप भी आ जाना मेरे काम। वो सब तो ठीक है भाई साहब, सिकल तो दिखा दो, 50 करोड़ की पार्टी की खुल। आपका स्वागत है शास्त्री जी, मेरा नाम मुख्तार अली है, आप मेरे मेहमान हो गए। तो क्या देंगे भाई साहब, मुंह दिखाएगा? मुंह दिखाई, आपने इतना कुछ कर दिया, 50 करोड़ की पार्टी है। अरे भाई जो दे दोगे, 10-20 थिंग, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, कुछ भी फेंक दो आप। इस इंसान की मैं गारंटी लेता हूँ, गऊ है जो दिल में है वही चेहरे पे एकदम साफ दिख जाता है, मतलब जो कुछ भी दे दो। ये 30 है, 30 लाख। मंदी का टाइम ना होता ना भाई साहब तो और ऊंची मुंह दिखाई देता है। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, तो ले जाओ, मतलब जाता हूँ। चलो बच्चों, बहुत काम है, चप्पल पहनो भाई साहब। जी धंधे में इतना पुराना हो क्या, धंधे का उसूल भूल गए भाई साहब? आपकी शकल देख के पूरा 30 लाख रुपए दे रहा हूँ, अरे फिरौती के लिए एक फोन तक नहीं घुमा अभी। देख लो, धंधे का उसूल है भाई साहब, जब तक फिरौती की रकम नहीं आ जाती कोई सिक्योरिटी छोड़ जाओ यार। सिक्योरिटी मतलब? हाँ मैंने सुना आपके गैंग में कोई लौंडा बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता। अब क्या है ना भाई साहब, यहाँ तो सब काला अक्सर भैंस बराबर है। अरे क्या नाम है लौंडे का? भाई अन्नी। हाँ अन्नी भाई साहब, अन्नी। अरे छोड़ जा भाई साहब, अमेरिका बात बात करने का काम आ जाएगा, फिरौती मिलते ही छोड़ दूँ पक्का। भाई साहब मैं अली भाई, मैं तो वैसे भी इंग्लिश में फेल हुआ था कसम से, और वैसे शास्त्री जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, अच्छे आदमी हैं। भाई साहब समझाइए ना आप, मैं क्या करूँगा अली भाई यहाँ पे, मेरा क्या काम यहाँ पर, मैं तो। कुछ नाश्ता वाश्ता? जी मैडम आ रहा है। पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया तिवारी? नहीं नहीं मैडम, मैं भी यही सोच रहा था। अरे ऐसे कैसे चलेगा, पुलिस इंस्पेक्टर है, इतना तो पता होना चाहिए। चल यस कर। भगवान की कसम मुझे कभी कोई ऐसा आइडिया नहीं है। हाँ ऐसे भी कोई बातें तो तिवारी, तू तो जानता है मुझे मर्दों से कितनी नफरत है, और बेवकूफ मर्दों से और भी ज़्यादा। चल एक आखिरी चांस दे रही हूँ, गेस। क्या गेस करूँ मैडम, कसम से। करीना खींच के दे गुद्दी के नीचे एक सोर्स। मैडम अरे ये कैसे मारा तूने, थप्पड़ भी नहीं मारना आता। चल एक बार फिर मार। नालायक, थप्पड़ भी ठीक से नहीं लगता। दीपिका तू मार। जी मैडम। मैडम मैं सच में कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुने, भगवान कसम करो मेरी। अरे ऐसे नहीं, उल्टे हाथ का आवाज आनी चाहिए चट्टा। काल पे बोला था बेचारे का होठ फाड़ दिया। अच्छा चलो ऐसा करो, दोनों मिलके मारो, जब ठीक से लग जाएगा बता दूंगा। मैडम
देखा चल कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा देखते बारी इस मंदी के दौर में भी महीने के महीने मैं तुझे पैसे देती रही क्यों ताकि तू मेरे काम आए और जब वक्त आया तो करती गद्दारी अली ने 4 पैसे ज्यादा किया दिए दे दिया ना रहा उसे हाँ और मुन्नी की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी मर्द है ना सोचा होगा लेडीज से क्या डर तू जानता है ना मर्दों को अपनी जूती के नीचे रखती है मुन्नी और तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि लेडीज तेरे साथ क्या क्या कर सकती है गलती हुई है माफ कर दो शाबाश आप ध्यान से सुनो परसों ईद है और मुझे मेरी ईदी चाहिए अब समझा दे अपने अली भाई को वरना तेरी किस्मत अब ये तो तू जानता है ना कि मेरी ईदी क्या है समझ गया मैडम मैं बिल्कुल समझ गया फिक्र मत करें मैं सीधा अली भाई के पास जाऊंगा और आपकी पार्टी लेकर आऊंगा शाबाश है तो समझदार ठीक ही कहते हैं भाई साहब जब किस्मत में लिखे हों हथौड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े जब कन्हैया से आपके बारे में पहली बार पता चला ना तो सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पर मुझे क्या पता था कि बहन का टका ऐसे ठीक होगा सब कुछ आप अमेरिका वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते इसमें अमेरिका की बात कहाँ से आ गई यार तुम्हारे भाई साहब छोड़ के गए तुम्हें यहाँ मैंने कुछ नहीं किया और तुम्हें मालूम है पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ न्यू जर्सी का मिलियनेयर 2 करोड़ का गैंगस्टर बन गया यहां आकर दैट्स माय फोन का फोन मेरे पास रह गया किमी मस्ट बी रितु हेलो ओम हाय बेबी हाउ आर यू अच्छा ये क्या चेक कर रहे क्या हुआ अपने अकाउंट में पैसे तुमने ट्रांसफर किए हैं वहां से हां मैंने ट्रांसफर किए मिल गए तुम्हें कितने मिले अराउंड 15 लाख ओह सुपर थैंक गॉड लिसन हवेली की डील फाइनल हो गई है आर यू जोकिंग एकदम फाइनल उन्होंने तो एडवांस भी दे दिया ना मगर तुमने तो कहा था कि डील कैंसिल हो गई है नो वो पहले बायर्स थे दैट डिडंट वर्क आउट लेकिन उन्होंने मुझे ये दूसरे बायर से इंट्रोड्यूस कराया बहुत ही जनरल लोग हैं या एंड इट्स ऑल डन इट्स ऑल डन बेबी थैंक गॉड सी आई टोल्ड यू देयर वाज नो नीड टू वरी अच्छा लिसन अवंतिका वांट्स टू टॉक टू यू हां दो ना या जस्ट होल्ड तेरे भाई साहब जुबान के बड़े पक्के हैं हेलो डैडी हाय बेबी हाउ आर यू आई एम फाइन व्हेन आर यू कमिंग बैक इन अ फ्यू डेज टाइम कैन आई आस्क यू समथिंग हां बोलो यू हैवंट लेफ्ट अस लाइक हेनरीज डैड हु नेवर केम बैक नो बेबी हु सेड दैट टू यू नो आई विल नेवर डू सच अ थिंग I promise. And you know Papa never breaks his promise. You know that, no? Yes. I love you, sweetheart. See you soon. Bye. Ali bhai. Dekh Tiwari. Bhale hi mera gang mantri Dhananjay jitna bada na ho. Par izzat. Izzat kisi sehansa se kam pyari na hai Ali ko. Samajh gaya? Main samajh raha hu bhai. Ye possible na hai. Mandi ka time chal raha hai. ठंडी दिमाग सुन लिया आप पार्टी को उन्हें एडवांस में दे दो मुनी मैडम वैसे भी तो सीनियर है ना आपकी मुनी मैडम थोड़ा अली भाई की सीनियर थोड़ा इसी फील्ड से लगता है आपकी खबर वहां तक पहुंच गई है सर इतने दिनों बाद पहली बार कुछ मांग रहा हूं आपसे ईद का त्यौहार है इतनी समझ के दे दो घर पे ना आया होता ना तू तो रेपट मार मार के मुंह लाल कर दिया तेरा बकवास कर बालो साले से सोच रहे थे ठीक समझ में नहीं आया तेरे नहीं, ओके हाँ निकल अब अरे माफ कीजिएगा वो थोड़ा बिजी हो गया नहीं कोई बात नहीं अरे निहारी वैसी की वैसी पड़ी है खाई नहीं आपने
यू नो लगता पसंद नहीं आई आप। बहुत अच्छी है, मसाला भी बड़ा अच्छा है, टेस्ट भी बहुत। पूछा किसी ने? नो इट्स रियली वेरी नाइस, थैंक यू। अली भाई वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। एक्चुअली अकेले में एक्चुअली अरे बता दे कहाँ मेरे 30 लाख। तिवारी कहता पार्टी मुन्नी मैडम को दे दो, शास्त्री कहता मैं कंगला हूँ, और मैं साला तुम लोगों के चक्कर में 30 लाख का चूना लगवा बैठा। अरे बता दे बेटा, तू नहीं बोलेगा? और कहाँ वो तेरा भाई साहब खानदानी गैंगस्टर, उसका तो खानदान खत्म करूंगा मैं अब। अरे बता दे, नहीं बोलेगा? अली भाई क्या 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 कर रहे हैं? अली भाई उसकी कोई गलती नहीं है, उसको जाने दीजिए ना। उसको नहीं पता था कुछ, भाई साहब को कुछ पता नहीं था, मैं सब मुझे करोड़पति समझ रहे थे भाई। उन्हें कोई धोखा नहीं दिया आपको, और उन्हें क्या पता मैं कंगाल हूँ? आप अग्रवाल से पूछिए ना। अरे मुझे नहीं पूछना किसी से, मुझे बस मेरे 30 लाख रुपए चाहिए। इसको मार के तो आपके 30 लाख नहीं मिल जाएंगे ना। अरे तो कौन देगा मेरे 30 लाख? तेरा वो बराक ओबामा है? और अगर इतनी चिंता है इसकी तो तू क्यों नहीं देता मेरे 30 लाख? बता। पैसे नहीं है मेरे पास। बकैती करवा लो इन फिरंगी कबूतरों से। पर एक आइडिया 30 लाख वापस लाने का, लेकिन साथ में शर्त भी है। अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई प्लीज, मम्मी कसम बहुत दिमाग तेज चलता है इनका। खुशामदीद अली भाई, कितना शुभ दिन है जो तुम यहाँ पधारे। ईद मुबारक। आपको भी मुन्नी मैडम, ईद मुबारक। तुझ जैसे लोगों की वजह से ही तो इस दुनिया में मर्दों की थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है अली। अब पहली बार तो आपने कुछ मांगा था मुझसे, वो भी ईद के दिन। मना भला मैं कैसे कर सकता था मैडम? हाँ मना तो नहीं कर सकता था। अब और ना तड़पा, मेरी ईदी तो दे। मुनी मैडम ये ओम शास्त्री, NRI, अमेरिका से, इंडियन सामान के बड़े बड़े सब शहरों में ऑफिस, बड़ी बड़ी गाड़ी, तालाब वाला घर, सब पता हमें। मैडम मैं चलूं? हाँ निकल। ईद मुबारक। जी हाँ जी। करीना ये धन्यवाद तेरी ईदी। मुन्नी को भी त्योहार की सारी रस्में पता है। बिल्कुल जी। पूरे 60 लाख है, आगे से 5 खोखा मिला तो 25 पेटी और दूंगी। दिल बहुत बड़ा है मुन्नी का। सेवैया कैसी हैं? बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कब तक चलता रहेगा ये सर जी? अली भाई ने तो लटका लटका के मारा था, मुन्नी मैडम तो वैसे ही जेंट से नफरत करती है, पता नहीं क्या हाल करेगी आपको और मेरा। अरे अनी देना। ये सही है सर जी, उधर डील होती है, इधर रितु जी कॉलिंग हो जाता आपका। हेलो, हाय रितु। हाय ओम। पैसे मिल गए ना? हाँ मिल गए, आज सुबह ही ट्रांसफर हुए हैं। कितने? कितने क्या यार, उतने ही जितने तुमने ट्रांसफर किए थे। ऐसे पूछ रहे हो जैसे किसी और ने पैसे भेजे हों। 30 लाख ना, राइट? हाँ 30 लाख। सुपर्ब। सो दिस 30 एंड दैट 15, 45 लाख इज $100,000, एग्जैक्टली द अमाउंट वी ओ टू द बैंक, राइट? राइट। यू जस्ट इन्फॉर्म द बैंक राइट अवे, ओके? मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है। Superb. उनका आदमी आता ही होगा चेक लेने। देखा मैंने कहा था ना तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, अब तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। हाँ, तो धीरे धीरे बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। हाँ सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ ना। I'm just there's a bit of a paperwork thing left, मैं खत्म करते ही आ जाऊंगा। ओके बाय। वाह यार अन्नी,
मान गए यार, तेरा अंडरवर्ल्ड तो साला अमेरिका के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ज्यादा ईमानदार है यार। बताओ मेरा घर बच गया? नहीं, घर बच गया यार मेरा। बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, आपका घर बच गया, आप फैमिली मैन है। सर बस आप ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि हम भी निकल जाए यहाँ से, हमारी भी फैमिली बन जाएगी। सर देखा नहीं, तू घबराता बहुत है। सुन, मैंने आज तक जो भी प्रॉमिस करे हैं फुलफिल किया ना जी, भाई साहब के साथ भी, अली भाई के साथ भी। करेक्ट। सो लेट मी मेक अ प्रॉमिस टू यू कि आज के बाद मेरा कुछ भी हो, तेरा बाल भी माँ का नहीं होगा। थैंक यू सर। दैट्स नॉट ऑल ओके। जब मैं इंडिया से वापस जाऊँगा अमेरिका तो अकेला नहीं जाऊँगा, तुझे साथ लेके जाऊँगा। पक्का सर? पक्का? मुझे अमेरिका लेके जाएंगे। पक्का? इतना सब कुछ होने के बाद भी? 100%। पर सर अमेरिका तो तब जाएंगे ना जब यहाँ से निकलेंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ से भी निकलेंगे यार। क्या बात है सर, आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अन्नी, आई एम अ बिजनेसमैन। चार पैसा जेब में आता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। आई एम टू कॉन्फिडेंट सर, आई एम कमिंग टू अमेरिका। भाई साहब होते ना मेरे आज यहाँ, मतलब उनको ये खबर मिल जाए बस किसी तरीके से तो बहुत खुश हो जाएंगे वो। ले पक्का सर? कॉल हिम। किसका फोन है? वाइन शराब नहीं होता, एक मिनट बात करने दोगी सर? नमस्ते। नमस्ते, ठीक है, कौन बोल, कौन रहा है? भाई साहब मैं अन्नी बोल रहा हूँ, मनाली में। अन्नी? हाँ साहब। अबे इस समय फोन कर रहा है ऐसे वक्त में? अली भाई को पता चल जाए तो? अरे तो अली भाई के यहाँ थोड़ी ना है, उनसे तो आगे निकल लिया हम। आगे मतलब भगा दिया उन्होंने, क्या हुआ? अरे मतलब आजकल मुन्नी मैडम के यहाँ है। मुन्नी? अन्नी चक्कर क्या बेटा? अरे चक्कर तो बहुत ही बेकार हो गया था, अली ने इतना इतना मारा, इतना कुटावा चढ़ाया मेरा, मतलब मैं तो निकलने वाला था ऊपर। वो तो है मौके पर ओम शास्त्री का दिमाग चल गया, मम्मी कसम बच गया मैं आपकी दुआ से। मतलब? अरे मतलब वही जो टोपी आपने पहनाई थी ना अली भाई को, वही अली भाई ने मुन्नी मैडम को पहना दी। आप करोड़ों का हिसाब कर रही होगी मुन्नी मैडम बेटी। अन्नी देख बेटा सुन, मुन्नी एकदम डाइन है, ऐसी आदमखोर है, चप्पल समेत खा जाएगी तुमको बेटा, तुम दूर रहो वहां से, चलो हट जाओ। अरे डायन हो या आदम करो, अभी तो शास्त्री जी के अपने ऐसे ब्रेन चल रहा है, मतलब तेजन थे उनके सामने तो आ जाना भाई साहब, तो और एक बार और सुनो ना, अमेरिका का डन हो गया मेरा, निकल रहा हूँ शास्त्री जी के साथ में। अच्छा आज कुत्ते की दुम और मर्द की अक्ल कभी सीधी नहीं हो सकती। देखने में तो बड़े भोले मासूम ईमानदार लगते हो, मगर असल में मैंने सोचा शायद तुम अलग होगे, अमेरिका के हो ना। अमेरिका के मर्द भी बहुत धोखेबाज होते हैं मैडम। इनका कोई लीडर था, उसका ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर था। हाँ मैडम, वाइफ बेचारी घर में वेट करती थी और ये ऑफिस में 2020 का मैच खेलता था। वो मोनिका मैडम वाला कांड सुना था मैंने भी था, पर अब क्या करें भैया, मर्द तो मर्द ही होता है चाहे कहीं का भी हो, लेकिन अब तुम्हारा क्या करें शास्त्री जी। मैडम एक्चुअली ना वो चुप बैंड के भाई। माधुरी, रानी, प्रीति, कितने दिन हुए पुरुष का भोग किए हुए? जी मैडम 4 महीने। मुझे मैडम 8 महीने। मुझे 1 साल। तो ले जाओ सिक्योरिटी को अपने साथ और लगा लो इसका भोग आज। निरोध लगा के। अरे वाह, खुशामदीद अली भाई, तूने तो सेवैयां खाई थी मेरे हाथों, भूल गया इतनी जल्दी? मैडम रेलवे स्टेशन से पकड़ के लाए हैं, भाग रहा था हरामखोर। रेल से क्यों? 60 लाख में तो जहाज मिल जाता तुझे भागने को। क्यों अली, अगुवाई के धंधे में मंदी आ गई तो ठगी शुरू कर दी, और ठगने भी चला मुन्नी को? तू जानता नहीं फीमेल गब्बर सिंह हूँ, हलक में हाथ डाल के खींच लूंगी अपना पैसा, समझा क्या? मैडम आ गए 4 बंदर, सारे फसाद की जड़। भाई साहब, किडनैपिंग खानदान के आखिरी चिराग, भविष्य के धनंजय सिंह जी। मैडम इन सबको मनाली से उठा के लाया हूँ, सब के सब उधर ही थे। मैडम हम तो खुद ही चल के आ रहे थे। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी,
अली पहले तू बता अली कहाँ है मेरे 7 लाख? मैडम मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अन्नी मैम बहुत मासूम बच्चा मर जाएगा जी। सब पता है मुझे, सबके सब मरने वाले हो। जो कॉपरेट करेगा सिर्फ वो ही बचेगा। अली आखिरी बार पूछ रही हूँ, पता कहाँ है मेरे पैसे? मैडम मेरी गलती नहीं है, मैंने अकेले कुछ नहीं किया जी। मैडम आप उस नादान से क्या पूछ रही, मैं खड़ा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, बताओगी? हाँ अब बोल भाई साहब, पर सोच समझ के जी, वरना अगली गोली जाकर अंडकोश में लगेगी। देखिए मैडम हम लोग की कोई गलती नहीं, हम लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। आप पूछिए, शास्त्री जी खुद आए, उन्होंने कहा कि 50% दोगे तो अली को नहीं बताएंगे। और मैडम मेरे को बोले कि 50% दोगे तो मुन्नी मैडम को कहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन मुन्नी को तो पता चल गया ना, अब क्या करोगे तुम सब? पता है अगर तुम लोग लेडीज होते ना तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती, मगर 3 मर्द मुन्नी का बेवकूफ बनाकर बच जाए ये नहीं हो सकता। अब सिर्फ एक ही तरीका है, या तो मुन्नी के पैसे वापस करो, वरना यहां पहले सामूहिक बलात्कार होगा और फिर सामूहिक हत्याकांड, और शुरुआत तुझसे ही होगी शास्त्री। पैसे तो आपके गए, पैसे तो वापस नहीं कर सकता मैं आपके, लेकिन 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 क्या? लेकिन एक आइडिया मेरे पास, बताऊं? आप सबके पैसे वापस आ सकते हैं। सुन लीजिए मैडम, दिमाग बहुत तेज चलता है इसका, सच्ची। बोल क्या आइडिया? लाल जी क्या बात है, बड़ी तकलीफ में लग रहे हैं मंत्री जी। अरे बवासीर बढ़ गई है इनकी, बाथरूम जाते हैं ना तो खुलासा होने में बड़ा दर्द होता है। अब देखियो 8-10 दिन तक मूड खराब ही रहेगा मंत्री जी का। अबे तू कोई गलती ना कर दिए वरना गुड मॉर्निंग सर पे भी डांट ही पड़ेगी। नहीं वो तो ठीक है, पर ये मंत्र सा कौन सा पढ़ रहे हैं मंत्री जी? अबे बवासीर का मंत्र है, इसे पढ़ने से ना खुल के होती है। बवासीर का मंत्र? भाइयों बहनों, आप सब तक धनंजय सिंह का नमस्कार पहुंचे। आज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज फिर 8वीं बार मजली नदी का पुल बन के तैयार। सात बार ये बना और 7 बार ये बह गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार ये पुल अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बना है। मैं आप सबसे अनुवादन करता हूं कि अपना दिल खोल के अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी बुश जॉर्ज कंपनी की मिस मोनालिसा का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहन मोनालिसा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन मोनालिसा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लो भाई you don't have scissors for cutting this?
Scissor? No, 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 scissor. Knife. Yeah, but what's the knife for? What is the goat for? Bali. Meaning? Meaning cut, blood fall, good for bridge, bridge safe. I have to cut the goat? Yeah, it is old Indian tradition. So we cannot kill the goat. You are the Minister of Animal Welfare, for crying out loud. But it was a small cut. I'm sorry, I cannot do it, sir. But I please, will really not be able to. It's a small cut. I will not cut the goat. I don't want to do this. Hurry, this is Indian tradition. Sorry. Well, now. Okay, watch. Om Chamundavattai! इस जिले में तो किसी की गाय बकरी भी गुम हो गई तो आ जाता हमारे पास. क्यों, अभी कोई और काम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मंत्री जी, वो असल में 7 साल बाद अमेरिका से वापस आया है. NRI आदमी है, कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया उसके साथ, उसके परिवार वालों को हम क्या जवाब देंगे भला? वो NRI है? जी मंत्री जी, दरअसल ओम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ का. हाँ, इसीलिए मजबूर होकर आपके पास आए. नहीं नहीं नहीं, ये बड़े शर्म की बात है. ये हमारे पूरे प्रदेश की इज्जत का सवाल है. आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? राजनाथ जी, मंत्री सारे डिटेल ले लो, आप निश्चिंत रहिए. धन्यवाद मंत्री जी. आइए चलिए, ऑफिस में बात करते हैं. लालजी. जी सर. हमारे लोगों को जंग लग गया क्या आजकल? मेरे इलाके में एक किनारा आता बाहर से, वो गायब हो जाता. मुझे इसकी भनक तक नहीं. आधे घंटे में मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए. पता करो किसकी हिम्मत हुई है शेर की मान से शिकार छीनने की. जी सर, मैं अभी पता लगाता हूँ. ये लो जनाब, मूली खाओ. हाँ जनाब, सही कहा था आपने. जी बसंत पन्नू है. चलो उधर बैठो, मैं बुलाता हूँ. जाने दो ना. नेक्स्ट. थैंक यू. इंक्वायरी काउंटर. भाई साहब. कहिए श्रीमान, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ. नाम क्या है? मुरली मनोहर. मुरली मनोहर. हाँ, मिल गया. चीनी मिल वाले. जी. 12 तारीख को किडनैप हुआ था. हाँ. बुलंदशहर मेन मार्केट से. 12 तारीख को बुलंदशहर से. हाँ यही है. ये लीजिए रसीद. रसीद आगे अकाउंट सेक्शन में फिरौती जमा कर दीजिए. ठीक है, जाओ. जी नमस्ते. नेक्स्ट. भाई साहब ये पूरे है ना? मुरली मनोहर. अरे कहाँ रह गए थे भैया इतने दिन आप? लाला जी कितना परेशान हो रहे थे अकेले यहाँ पे. उनकी पूरी देखभाल हमें करनी पड़ती थी. उनके हगने मुतने से लेके उनके खाने पीने तक का ख्याल हमें रखना पड़ता था. और मंत्री जी अलग परेशान करके रखे हुए कि लाला जी का आदमी आता ही नहीं है. बोलिए जी. वो फिरौती की रकम जुगाड़ करने में थोड़ा टाइम लग गया. ठीक है ठीक है. फिरौती के 25 लाख रुपए लाए हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी लाए हैं. हाँ लाइए. भाई साहब मंदी का टाइम है, व्यापार का बहुत बुरा हाल है. अगर
फिरौती की रकम थोड़ी सी कम हो जाती तो। अरे भैया, मंत्री जी ने पहले ही आपको मंदी के रेट लगाए हैं, वरना चीनी मिल के मालिक के 25 लाख रुपए। नाजायज पैसा तो हम लेते ही नहीं। ये लीजिए। भाई साहब ये मिस्टर मुरली मनोहर। हाँ, भाई मेरा बच्चा आया। अरे माता जी आप भीतर जाइए, अभी आपकी फिरौती में टाइम है। हाँ। जाइए मिस्टर मुरली मनोहर। मैं हूँ भाई। आप पिताजी कैसे? पिताजी आप बेटा तुम आइए। अरे भाई साहब ये रसीद तो लेते जाओ, पूरे एक साल की गारंटी है। अच्छा? कभी गलती से किसी ने किडनैप कर लिया ना। हाँ? तो दिखा देना, छोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन के लिए। आइए पिताजी। यार बिजनेस की तो ले ली मंदी ने। क्या हुई, कलेक्शन क्या है इस क्वार्टर का? सर ये 26 किडनैपिंग है सर, जिसमें से 22 ने फिरौती के पैसे जमा कर दिए सर। ये 4 थोड़ा ज़्यादा होशियार बन रहे थे सर, तो फार्म हाउस के तालाब में डलवा दिया इन्हें। टोटल कलेक्शन हो रही है सर 4,65,11,230 रुपये। बस ये तो धंधा आधा हो गया मंदी में। लाल जी ये 20-30 लाख वाली पार्टी नहीं चलेगी, ये चिल्लर है चिल्लर। ये देखो मुख्यमंत्री का फंड, पार्टी वेलफेयर फंड, पुलिस, ये क्या रहता है हाथ में घंटा? वो NRI का क्या हुआ? सर वो जल्दी पता चल जाएगा सर। करो यार करो, मुझे तो लगता है ये सब चिल्लर पार्टी से कहीं ज़्यादा अकेला देके जाएगा। करो यार करो। ये देख सर। सर वो मुन्नी मैडम आई है। मुन्नी मैडम फीमेल गब्बर सिंह, हमारे गरीब खाने में। हम भी आपके मुरीदों में हैं मंत्री जी, आप ही ने भरोसा ना किया, वरना हम तो कब से आपके कायल हैं। ओए होए इतनी मीठी मीठी बातें ना कर मुन्नी, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। काम की बात कर, क्यों आई? ओम शास्त्री, NRI बिजनेसमैन, 20 दिनों से लापता। मैं लाल जी से यही पूछ रहा था कि कौन हो सकता है शेर की मांस से चोरी करे। भूल ही गया था कि काम सिर्फ एक लोमड़ी कर सकती है, तो तू है जो मेरे शिकार को दबा के बैठी है। हा? इरादा तो खाने का भी था। अच्छा, पर जानती हो ना पुलिस आर्मी CM DM सब लगा देते मेरे पीछे, उतने की ठुकाई ना होती जितने का घाघरा फट जाता। क्या करती, चलिए। अच्छा किया। कितना मांगती है? 20 करोड़। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे जो मांगूंगी दे दोगी। जानती नहीं हूँ क्या आपको, बायोडेटा तो आप तक भी पहुंचा होगा पार्टी का। इज्जत और सम्मान से जो ठीक लगे दे दो, डिलीवरी अभी ले लो। दाम बोल, दाम बोल। 2 करोड़। 1.5। छीन लूं तो? तो शेर कीदड़ के लाएगा पूरे जंगल में। तुझसे जीतना मुश्किल है मुन्नी। लाल जी। जी सर। दीजिए कैश, ले लो डिलीवरी। हाँ तू धंधे की पुरानी खिलाड़ी है मुन्नी, कोई गड़बड़ हो गई तो जानती है ना, तेजाब निकलता है इस घर के नलकों से। डरे वो मंत्री जी जो लोहा ना खाते हो। हाथ ऊपर कर बे। क्या देखा? ये वेलकम।
वेलकम टू इंडिया मिस्टर रास्ते। नमस्ते शास्त्री जी, आपकी चाय। और रात नींद कैसी आई आप लोगों को? ये जगह कौन सी है? मंत्री जी का फार्म हाउस है। शहर से बहुत दूर है ना? बहुत दूर, इंटरनेशनल पार्टी होती है ना तो यहीं रखते हैं मंत्री जी। अच्छा, ये पिछली पार्टी का पिंजर है, टाइम पे फिरौती नहीं दी तो डलवा दिया तालाब में मंत्री जी ने। तालाब में डलवाने से ऐसा? तालाब में तेजाब है ना भाई, कोई पार्टी पेमेंट ना करे या धोखेबाजी करे हैं तो फिर उसे तालाब में डलवा देते हैं। भाई साहब, जिंदा डलवाते हैं या मुर्दा? मूड पे है मंत्री जी के, कई बार तो सांपों से डसवा के डलवाते हैं और कई बार सांप भी है। और भी कई जीव हैं भाई, पशु मंत्री हैं आखिर। पिछले 3 सालों से पीपीपी का अवार्ड जीत रहे हैं। पीपीपी क्या भाई साहब? प्रदेश पशु प्रेमी। अच्छा शास्त्री जी, कुछ जरूरत हो तो याद कीजिएगा, चलते हैं। थैंक यू। आप लोग ऐसे हमें खुले छोड़ के जा रहे हैं? हम भाग गए तो? अब आप कहाँ भागोगे सर जी, और अगर भागे भी तो हमारे शिकारी कुत्तों की थोड़ी वर्जिश हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। इस पूरे स्टेट में तो आपको कोई नहीं बचा सकता सर जी। जितने भी पुलिस आर्मी डीएम सीएम सारे हैं ना, सबके साथ भाईचारा है मंत्री जी का। लेकिन आप भागने की क्यों सोच रहे हो? नहीं नहीं, वैसे ही मतलब बात करूंगा भाई। आपकी अमेरिका की सारी डिटेल्स मिल गई हैं। हाँ, बस कल सुबह फोन चला जाएगा भाभी जी के पास ऑफिस से फिरौती की रकम के लिए। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ आप आजाद। अरे बल्कि हम खुद छोड़ के आएंगे आपको एयरपोर्ट तक, कोई बात है? बस 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए। नहीं कोई बात, चलिए लाल जी, बहुत काम पड़े हैं अपने को। अच्छा शास्त्री जी नमस्कार। शिट, सबके एक रुपये पानी फिर जाएगा। यू नो दे कॉल रितु, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यार। सर जी एक आइडिया, तुम मंत्री जी से बात करो, मुन्नी मैडम के सर फोड़ दो, सारा का सारा ठीक रहा। आर यू? कह दो कि सच सच भी छुपाया उसने और पैसा भी हजम कर गई वो। अन्नी, मैंने वादा किया है अली भाई से, भाई साहब से, मुन्नी से, उन्होंने भरोसा किया है मेरा यार, मैं अपना वादा कैसे तोड़ दूं? मैंने तोड़ा कभी अपना वादा? नहीं। देन पर सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसा आप में फेंक देंगे सर, कुछ करिए सर कि आप भी बच जाए, मैं भी बच जाऊँ सर। मुझे नहीं जाना अमरीका। सर जी क्या हुआ सर? हार्ट अटैक है सर जी। हिम्मत रखिए, यहाँ बैठिए सर जी, यहाँ बैठिए प्लीज यहाँ बैठिए सर जी यहाँ बैठिए प्लीज। डॉक्टर, अरे कोई है क्या? डॉक्टर को बुलाओ, सर जी को हार्ट अटैक पड़ गया है प्लीज। सर डॉक्टर देखिए प्लीज ठीक नहीं है सर।
डॉक्टर प्लीज। को डॉक्टर को बुलाओ। कोई अदर का अटैक पड़ गया मैं। सॉरी प्लीज। हार्ट अटैक पड़ गया यार। सर जी को हार्ट अटैक पड़ गया। सर प्लीज। अरे देख क्या रहे हो, कोई तो डॉक्टर होगा यहाँ पर आसपास कहीं पर भी। प्लीज प्लीज बुला लो यार, प्लीज लेकर चलो इनको यार। अबे मंत्री जी का ऑर्डर है, बाहर नहीं ले जा सकते। ओए साले मर गया ना ये तो मर जाएगा तेरा मंत्री भी। और घूर के मत देख, उठा इसको और लेकर चल डॉक्टर के पास। अरे थम जा सर जी प्लीज। अरे साहब को फोन तो करना पड़ेगा, करोड़ों की आसामी है, कहीं मर गया तो साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू एक काम कर, फोन लगा। मैं मेरा तिल्ला तोड़ देंगे, आप लगाओ। लो अबे ला दे, तेरी तरह फटके तंबू ना होती मेरी। हाँ सर, लाल किशन बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं, कोई प्राइवेट डॉक्टर उठा नहीं, सीधा जिला अस्पताल लेके आना। जी सर। और सुनो, संभालना कहीं मर वरना जाए। हाँ सर। अरे कितनी दूर है अस्पताल यार, यही जगह मिली थी क्या तुम लोगों को रखने के लिए? ये बच्चों वाला आदमी अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो जान से मार दूंगा कसम से। अबे हमें क्या बोल रहा है बे, हमने किया ये सब हैं? और किसने किया सालों? 10 घंटे लगा दिए तुम लोगों ने डिसाइड करने के लिए कि लेके जाए कि नहीं लेके जाए, सब तुम्हारी वजह से। बस भूतनी क्या, चुप हो जा। लाल जी समझा लो इसे, नहीं साले का तिल्ला तोड़ दूंगा आज। अरे मारेगा उसे यार सिक्योरिटी। अरे कहां मर गए लोग, कहा था सीधा अस्पताल ले आने को। ओम चली चुई चलक चली ओम ओम क्लम 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 ओम। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। डॉक्टर साहब तैयार हो ना? जी सर। मुझे ये आदमी सही सलामत चाहिए, किसी भी हालत में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। गाड़ी आ गई सर। सर अपनी गाड़ी है सर। हाँ? और तुम लोग, अरे पार्टी कहाँ है? वो तो एम्बुलेंस में गई साहब। रुकी नहीं? अरे कौन है अंदर? राजमा लाल जी और पार्टी है साहब। पार्टी? अरे क्या देख रहा है, जल्दी चल यार, चल 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 चल। अरे गाड़ी चला। मरवा दिया साढ़े अन्नी टकटक लगा के क्या देख रहे, गाड़ी चलानी आती है? बोलना गाड़ी चलानी आती है? जी आती है। गुड, आती है। ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए प्लीज। देखो मुझे गन चलानी नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि गलती से गन चल जाए उसे बोलो कि गाड़ी रोकते। गाड़ी रोक दे रहे शंकर। गुड बॉय। उतर 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 खाली उतर उतर। नहीं यस सर, गाड़ी चला। ओके सर, ओके सर। ठीक नहीं कर रहे हो शास्त्री, मंत्री जी छोड़ेंगे नहीं। अरे आज तक यहाँ से कोई भाग नहीं सका है, आज भागेगा। रुकना सर, रुक लो। चल अभी जल्दी 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 चल यार। साला टाइम ही खराब है। अरे लेकिन साले गाड़ी छोड़ के गए तो गए कहाँ? ना तो सन्नी देओल बनता ना वो गाड़ी लेके भागते, बड़ा आया हिटमैन हो रहा है। लेकिन अब मंत्री जी आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे? लाल जी कहेंगे क्या, गाली सुनेंगे सब तेरी वजह से। ले बेटा आ गए, चुप रहिए ज़्यादा बोलिए ना तुम। कहाँ है वो? सर नहीं है, लगता है भाग गए। पर भाग गया है? ऐसे कैसे भाग गया है? आज तक ऐसा हुआ है? कोई भागा मेरी पकड़ से? चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दो। जी सर। जरूरत पड़े तो सीएम की गाड़ी हो चाहे, रोको और तलाशी लो।
20 साल की करियर में ऐसा नहीं हुआ। क्या जवाब दूंगा पार्टी हाई कमांड को? हाँ, कौन बनाएगा मुझे सीएम? लोग तो यही कहेंगे ना, एक आदमी नहीं संभाल पाया, स्टेट क्या संभालेगा। लालजी कुछ बोलो। सर जी, वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अरे क्या मैनेज करना पड़ेगा, ये इज्जत का सवाल है, ये इमेज का सवाल है। हाँ, मुझे वो आदमी चाहिए, अगर जिंदा ना मिला तो ठोक दो उस साले को। हाँ, एक काम करो, पुलिस को बोल दो शूट एट सन, समझे? लेकिन मुझे वो चाहिए, मार दो, लेकिन जाने मत दो। मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, पल पल की खबर चाहिए मुझे। जी सर। जल्दी गाड़ी पकड़ो। इसने तो इज्जत का सवाल बना लिया सर, अब ना छोड़ेगा ही, जगह जगह नाकाबंदी कर रखी होगी इसने। सर, शूट एट साइड का मतलब देखते ही गोली मार देते हैं या वार्निंग देते हैं? देखते, यानी कि कोई ठुल्ला भी मार देगा है? हर जगह लाल बत्ती की गाड़ियां घूम रही होंगी सर। सर जी प्लीज। सर पहली दफा डर लग रहा है सर, टेट। डर मत नहीं, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी हमें एयरपोर्ट तक छोड़ के आएगी। कैसी सर? कैसे बताता हूँ। हेलो, हाँ बिल्कुल, हाँ सब बंद, स्कूल कॉलेज सब बंद। हाँ, और सुनो, वो बस अड्डे और ट्रेन स्टेशन पर सख्त नजर रखना। हाँ, और मुझे खबर करते रहना, ओके? हाँ। क्या क्या कर क्या रही है तुम्हारी पुलिस? इसलिए तुमको इंस्पेक्टर से एसपी बनवाया? एक आदमी नहीं ढूंढ पाया यार। आप टेंशन मत लीजिए सर। सर आप बैठिए प्लीज। अरे यार, आओ। सर, सर, सारे जिले को छावनी बना दिया हमने। आप लीजिए सर, पानी लीजिए। रख दे, ठीक ही कहते हैं लोग, निकम्मी होती है। सर सर गन्ने का जूस पियेंगे? अरे यार, तुम उधर खड़े देख क्या रहा? अरे जरा इधर आओ, साहब की मालिश करो। देखते नहीं मंत्री जी टेंशन में हैं, परेशान हैं, काम चोर कहीं के, कुछ तो किया करो। सर अच्छा लगा। हेलो, अरे यार फोन ठीक करवा। हेलो, अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं। नहीं, अरे देखिए आप मीडिया वाले भी ना हर बात का मुद्दा बना लेते हैं। अरे अरे, वो क्या है कि टेररिज्म का खतरा बढ़ गया है, इसलिए पुलिस फोर्स चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए मॉक ड्रिल है। हाँ, इसीलिए सारे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की नाकेबंदी है। जी हाँ, क्या किडनैपिंग? नहीं 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 नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, ओके ओके। सर ये मीडिया वाले भी ना बस पीछे ही पड़ जाते। बस अब यही कसर रह गई थी, अब कल अखबार में देखो ये बड़ी फोटो होगी और नीचे बड़ा बड़ा लिखा होगा, बेवकूफ। सर आपको क्यों कहेंगे लोग सर बेवकूफ, हमेशा ही पुलिस वालों को कहते हैं। सर कुछ शास्त्री जी मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज समझ में आ गया कि इस जंगल में शेर सिर्फ आप ही हैं, आपसे बचकर भला कौन कहाँ जा सकता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो आपके आदमी ठीक कहते थे, रैंसम दो, रसीद कटवाओ और घर जाओ। वो मेरे ही दिमाग खराब हो गया था, मुझे लगा कि मैं भाग सकता हूँ। भूल गया था कि इस
इस इलाके में आपकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक पूरा आदमी की भला कैसे करेगा? आई एम रियली वेरी सॉरी, आई सरेंडर सर। अरे नहीं नहीं नहीं, सुबह का भूला शाम को घर लौटे उसे भूला नहीं कहते। लेकिन शास्त्री जी, दिन भर गायब रहने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। माफ कर दीजिए, कल रात से एक मिनट सोया नहीं हूं मैं। I'm really sorry. नींद के एक एक झोंके का बदला लूंगा मैं। चलो निकाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पूरे काम को अंजाम देने में उनकी मदद की राज्य के पशु मंत्री धनंजय सिंह ने। एनआरआई ओम शास्त्री को बचा के धनंजय सिंह ने उन सब आलोचकों के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने उन पर राज्य में किडनैपिंग रैकेट चलाने के आरोप लगाए थे। एनआरआई किडनैपिंग कांड में धनंजय सिंह की पॉजिटिव भूमिका सीएम बनने के उनके अभियान में बहुत काम आएगी। सब नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मेरे भगवान यानी कि श्री धनंजय सिंह थे। अगर आज मैं आजाद हूँ, अगर आज मैं जिंदा हूँ, अगर आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो उसका श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, श्री धनंजय सिंह। देखिए मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतने काबिल आदमी को राज्य का मंत्री नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। हमारा सीएम कैसा हो? शास्त्री जी, हाँ सर, एक फोटो गले मिलते हुए, यस सर, फ्रंट पेज के लिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, चालाकी मेरे साथ। मंत्री जी मेरी जोड़ी है, कैमरा देखिए कैमरा। चीफ मिनिस्टर बनने का मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये बताइए कि अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? होम, आई वांट टू गो होम। बहुत दिनों से अपने बच्चों को देखा नहीं, अपनी फैमिली को देखा नहीं है। आई विल गो टू द एयरपोर्ट स्ट्रेट अवे। बाकी सारी कहानी आपको मंत्री जी खुद बताएंगे। अनिचल धनंजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सर लेकिन जाएंगे कैसे, गाड़ी कहाँ हमारे पास? अरे लेकिन मंत्री जी की गाड़ी है ना, जहाँ मंत्री जी ने इतना किया इतना और नहीं करेंगे। मंत्री जी गाड़ी देंगे? ले जाइए, मेहमान है हमारे, ले जाइए। इस पूरे मामले पे रोशनी डालिए मंत्री जी। मंत्री जी बताइए, आप इस मौके पर अपने विरोधियों से कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी हम जानना चाहते हैं, प्लीज। हाँ कुछ तो कहिए। क्या मंत्री, क्या मंत्री कौन है? जनता का सेवक है। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिशियन क्या करता है? जनता की सेवा करता है और क्या करता है? देखिए गया ना रहा है, अमेरिका चला गया। अगर तू क्राउड और रिपोर्टर्स को टाइम पे लेके नहीं आता ना, तो निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सर मजा बहुत आया, कसम से कह रहा हूँ। पहले अली भाई की खाई हमने निहारी, फिर हमने खाई मुन्नी मैडम की सेवैया, और फिर खाते धनंजय सिंह की गोली। लेकिन सर क्या दिमाग चला आपका टाइम पर, मुझे पता था सर आपकी खोपड़ी जो है ना बहुत तेजम तेज चलती है। भाई का मर गए। क्या हुआ? भी देखते हैं, कमाल कर दिया आपने, कमाल। मैंने क्या कहा था मैडम, दिमाग इनका इतना तेज है कभी हार नहीं मानेंगे। वेरी गुड। बहुत पार्टियां छीनी है धनंजय सिंह ने हमारे हाथों से, बड़ी तमन्ना थी उसका लटका हुआ चेहरा देखने की। कमाल कर दिया शास्त्री जी, मान गए।
ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी करता, और फिर मेरे पास ऑप्शंस तो थे नहीं, या तो मरता या फिर कुछ करता। ये लीजिए धनंजय सिंह की आरती में से आपका हिस्सा, पूरे 25 लाख। एक्चुअली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हो सके तो एक काम कीजिएगा, इसे एक हवेली भिजवा दीजिए। बिल्कुल 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 रख ले। मैंने सोचा भी नहीं था 7 साल के बाद इंडिया आऊँगा और आप जैसे महानुभावों से मुलाकात होगी। यू गाइस मेड माय ट्रिप, रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद। चलो नहीं अन्नी, अन्नी का अन्नी से वादा किया मैंने, उसे अमेरिका लेके जाऊंगा, उसका वीजा बनवाना है। चल बहुत काम है नहीं। सर जी मैं क्या करूंगा अमेरिका जाके। अरे आप जाइए ना, वैसे भी अपने दुख सुख के सब साथी यहीं हैं, और आपको देख के सर पता भी चल गया है कि अमेरिका में भी कोई लाइफ खास नहीं है, अपनी ना फटेगी अमेरिका से, और फिर भाई सबको MLA भी तो बनाना है। अरे मैंने नॉमिनेशन भी भर दिया पागल। आप जरूर विजयी होंगे, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। शास्त्री जी आप अमेरिका जा ही रहे हैं तो अन्नी के भाई साहब ओबामा मिलेंगे तो हमारा एक रिक्वेस्ट कीजिएगा उनसे। जी सर। अंधी मंदी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं तो बीमारी की शुरुआत वहाँ होती है, यहाँ आके हम तक फैल जाती है। नहीं तो मैं मंत्री बन के दौरे पे कभी आया ना अमेरिका तो डांट दूंगा आपके ओबामा को। नहीं सीरियसली मैडम, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि बीमारी बाहर ना जाए, बड़ी तकलीफ होती है। ये मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। दे दूंगा आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। जी और अन्नी ये मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा साथ रहेगा सर ये। बाय बाय जी, क्या हाल है? बाय सर। हीरो लग रहा है। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। जब तक इनके ओबामा भाई साहब मंदी को कंट्रोल नहीं कर लेते, हम मिलके काम करें। यस वी कैन। सारा प्यार है बेकार, पैसा करना पल्ले, बड्डी दे दे पैसे चार, तेरी बल्ले बल्ले। अगर तू यार है दिलदार, खाली कर दे गल्ले, डॉलर पाउंड या दिनार, गड्डी पैसे से चले। सारा प्यार है बेकार, पैसा करना पल्ले। अगवा कर लो हाँ जी, गोल्डन जी वाजी वाजी, भले के कट्टू कटला इन तो काहे की परवाजी। अगवा कर लो हाँ जी, गोल्डन जी वाजी वाजी, लेके कट्टू कटला इन तो काहे की परवाजी। बिजनेस धंधा चौपट यार, बिक गए चाबी के छल्ले, साइकिल अपनी पंचर यार, मेरी फरारी चल्ले। हुआ नार सो बीमार, खावे इब कैसे कल्ले, डॉलर पाउंड या दिनार, गड्डी पैसे से चल्ले। Hey people on the floor, here comes the madam. मैं मुन्नी मुझे तू ना बच्चा समझ का जाऊंगी सबको कच्चा समझ। मैं मुन्नी मुझे तू ना बच्चा समझ का जाऊंगी सबको कच्चा समझ। मैं छोटी बड़ी मेरी बोली खड़ी, डरा डरा डरी डरा डरा डरी। मैं मुन्नी तो सोच ले झल्ले, तेरा सूट बोट बेकार, ये पुट्टी कोड़ी ना पल्ले, तू ओबामा का यार, ये उसने फोन ही कर ले, डॉलर पाउंड या दिनार, गड्डी पैसे से चल। रे फस के रे ओबामा, रे दिला रे पजामा, आई लव यू रे ओबामा, रे किसने बोले मामा, रे कर दे कुछ करना मा, रे हो जाए कुछ हंगामा। रे फस के रे ओबामा, 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 दिन तक दिन तक दिन तक है।
डॉलर पाउंड या दिनार गड्डी पैसे से चल।